विद्यार्थियों, RCIL जो है 500 की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं चैप्टर 14 में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल। कि जब इलेक्ट्रॉन किसी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है नाभिक के चारों ओर, तो वहां कक्षीय चाल का सूत्र और उसका जो है व्यंजक किस तरह से प्राप्त किया जाता है। तो देखो, अभी हमने बॉर जो मॉडल था उसका अध्ययन किया, तो हम जानते हैं बॉर मॉडल के द्वितीय आविग्रहित या परिकल्पना से तब जानते वहां पे एम वी आर बराबर क्या वही प्राप्त होता है, एन एच अपॉन 2 पाई प्राप्त होता है थोड़े समय का मान। अगर हम बात करें एन वी कक्षाओं की, तो एन वी कक्षा के लिए भाई देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, एम वी हो जाएगा वी एन, आर हो जाएगा आर एन, बराबर वही एन एच अपॉन 2 पाई। अगर हम यहां से वी एन का मान निकालना चाहे तो, या वी एन बराबर इधर वही क्या आ जाएगा, ये एन एच अपॉन, देखो वी एन का मान निकालना चाह रहे एम आर जाएगा बटे में, एम आर एन इंटू 2 पाई। मानक हम इसको नंबर एक समीकरण डाल लेते हैं, नंबर माना कि एक समीकरण है। अब देखो अपन जानते हैं, हम पहले से पहले वीडियो में बात की थी इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की कक्षीय जो भाई त्रिज्या है उसका जो मान है वो क्या प्राप्त होता है, आर एन बराबर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे में पाई एम जेड ई स्क्वायर, ये हम प्राप्त होता है, हमने पहले वीडियो में इसको प्राप्त किया था। अब हम तो क्या करेंगे, ये जो मान है आर एन का, ये जो मान आर एन का है हम यहां से उठा करके और इसमें यहां रख देंगे आर एन का मान, क्योंकि हम वेग का व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं इसलिए। तो ये जो वेग है ये बी एन इक्वल क्या हो जाएगा, देखो ऊपर तो एन एच है ही, नीचे एम, ये मान यहां पर करो आर एन का, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे में पाई एम जेड स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 पाई। देखो यहां पाई से पाई तो कट जाएगा, ठीक है भाई, और ये एम जेड स्क्वायर जाएगा ऊपर, तो इससे आगे यहां वी एन का मान आ जाएगा एन एच, ये ऊपर जाएंगे भाई एम जेड स्क्वायर ऊपर चले गए, नीचे इधर बच गया, देखो भाई यहां तो एम सेम भी कट जाएगा, तो ये चलेगा ऊपर एन एच जेड स्क्वायर, तो यहां ये इधर बचेगा एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 2, ये गुणा में रहेगा इसके। अब यहां देखो इसके अंदर, यानी हमने क्या किया भाई, हमने यहां पे समीकरण एक में आर एन का मान रख दिया है, तो ये हमारा पाई जो पाई है, ये हमारा पाई जो है वो कट गया है, एम से एम भी कट गया, ठीक है भाई। अब देखो आगे, ये देखो एन से एन कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, यहां से बी एन इक्वल क्या बचेगा जेड स्क्वायर पर, तो नीचे बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और एन और एच बचेगा, ठीक है भाई। ये हमारा वेग का व्यंजक प्राप्त आ गया है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, अगर हम प्रथम कक्षा
प्रथम कक्षा के लिए अगर हम वेग का व्यंजक निकालें तो वह स्टूडेंट जेड का मान क्या हो जाएगा ए और एन का मान भी क्या हो जाएगा ए। एन मतलब प्रथम कक्षा, एन उप कक्षाओं की संख्या और जेड हो जाएगा तरुण क्रमण का मान, तो जेड का मान एक होता है इसके लिए, तो ये है जेड का मान एक हो गया हाइड्रोजन के लिए, एन का मान एक हो गया, एन है कक्षाओं की संख्या। यहाँ बी एन यानी बी एन वन मतलब एन मतलब एक हो गया, हम पहले कक्षा की बात कर रहे हैं, अब जेड का मान एक हो गया, ई आवेश इलेक्ट्रॉन का है जो कि अपन जानते हैं ई का मान क्या होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है कूलम, और एच का अपन मान जानते हैं 6.63 × 10⁻¹⁴, जूल इनटू सेकंड, एच का मान होता है भाई। फिर होता है एफ का इलेक्ट्रॉन होता है 8.85 × 10⁻¹ⁱ। इस तरह से अपन ये मान रख देंगे सूत्र में, जब ये मान रखेंगे यहाँ पे तो इसका जो मान आएगा जो वेग का जो मान आएगा वो आ जाएगा सॉल्व करने पर 2.189 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड का मान आ जाएगा। ये हमारा वेग प्राप्त हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए प्रथम कक्षा में, या तो हम इसका हम यू भी कह सकते हैं, यहाँ पे वेग का जो मान है ये सी अपॉन 137 के बराबर भी होता है। कैसे, सी प्रकाश का वेग है, अगर हम प्रकाश वेग में अगर इसका भाग लगाएंगे तो भी हमें ये संख्या प्राप्त होगी, तो इसका मान सी अपॉन 137 के बराबर प्राप्त हो सकता है। तो ये था वेग भाई, तो इसमें एक पॉइंट छोटा सा और आता है, और वो इसमें पॉइंट आता है, वो हमारा जो पॉइंट आता है उसका नाम है सूक्ष्म संरचना नियतांक, सूक्ष्म संरचना नियतांक इसके अंदर आता है, छोटा सा पॉइंट है, तो पॉइंट का नाम है सूक्ष्म संरचना नियतांक। तो ये क्या होता है, ये होता है हाइड्रोजन के लिए प्रथम कक्षा की त्रिज्या, ठीक है सॉरी यहां प्रथम कक्षा का वेग, मतलब ये होता है अल्फा बराबर हाइड्रोजन के लिए प्रथम कक्षा का वेग और निर्वात का जो वेग होता है यानी प्रकाश वेग होता है उसके अनुपात को हम सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं। यानी अपन कह सकते हैं हाइड्रोजन के लिए प्रथम कक्षा का वेग, ठीक है प्रथम कक्षा का वेग और प्रथम कक्षा का वेग और निर्वात में जो प्रकाश का जो वेग होता है उसका जो अनुपात होता है उस अनुपात को हम सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं। यहां से जो अल्फा का जो मान आता है वो मान आता है सॉल्व करने पर, देखो आप यू भी कह सकते हैं भाई, यानी यहां से V1/C ये हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन के लिए प्रथम कक्षा का वेग V1 और निर्वात में प्रकाश के वेग अनुपात को अल्फा कहते हैं। अभी अपन ने V1 का मान क्या क्या जो प्राप्त किया होता C/137, अपन ये मान रखेंगे यहाँ पे V1 की जगह तो C कट जाएगा, समझ गए भाई ये ऐसा सूत्र होते को। अभी अपन ने V1 का मान प्राप्त किया, V1 क्या था, V1 का मान अभी अपने प्राप्त किया इसका मान C/137 भी हो सकता है, ठीक है, या V1 का जो मान है मीटर प्रति सेकंड, ये V1 का जो मान है ये 2.189×10⁶ मीटर प्रति सेकंड में प्राप्त हो सकता है, दोनों मान है आप यहाँ पे जो चाहो मान है रख लो। तो अगर हम ये मान रखेंगे V1 का यहाँ पे तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा C/137/C, सी कट जाएगा, अल्फा इक्वल 1/137, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको सोल्व करेंगे अल्फा का जो मान है वो 7.23 × ठीक है 10⁻³, इसका जो मान है अल्फा का वो मात्रकहीन प्राप्त होगा, क्योंकि तो ये मात्रक नहीं है कि वेग का अनुपात है, तो मात्रकहीन हमें प्राप्त होगा। ये हमारा अल्फा था सूक्ष्म संरचना नियतांक, जो क्या होता है हाइड्रोजन के लिए प्रथम कक्षा का वेग और निर्वात में प्रकाश का जो वेग है उसका जो अनुपात है उसको हम सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं, इसको हम अल्फा से दर्शाया जाता है। तो इसमें इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।